जय हिंद दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में बिहार एपीओ जो मेंस का पेपर चल रहा है उसमें जीएस सब्जेक्ट जनरल स्टडी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पे हम चर्चा करेंगे। समय 3 घंटे है, पूर्णांक टोटल 100 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 नंबर का है, इसमें 5 संक्षेपाक्षरों को पूर्ण रूप लिखने हैं, फुल फॉर्म लिखने हैं। सार्क का लिखना है पहला, विश्व टेक है, WHO है, SCO है, FATE है, OPEC है, ADB है। इसके मुख्यालय को भी लिखना है आपको, संक्षेप भी करना है और इसके मुख्यालय को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको निम्नलिखित तिथि को कौन से दिवस मनाए जाते हैं और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में लिखना है। वन लाइन में लिखना है ज़्यादा, क्योंकि 5 है, दो दो नंबर के हैं। पहला है राष्ट्रीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, सेना दिवस, आर्मी डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं आपको। भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अगला है खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में स्वर्ण पदक विजेता वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। अगला क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2019 किस टीम ने जीती। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पूगम कन्नन का निधन हो गया, उन्हें किस नाम उपनाम टाइटल से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं। अगला है, भारतीय खिलाड़ी हिमा दास को किस नाम से जाना जाता था उपनाम या टाइटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तिथि को निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, विश्व महासागर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँच है, 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताना है। बी विकमिंग। अगला है आपका द ऑडेंसिटी ऑफ होप, प्लेइंग इट माई वे। अगला है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, अनब्रेकेबल, द एल्केमिस्ट, विंग ऑफ फायर, किसकी आत्मकथा है, द नेमसेक। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताने। इसमें भी आनंद भट्ट किसकी पुस्तक है, अमृत और विष किसकी पुस्तक है, कामायनी किसकी पुस्तक है, हाथ झांसी की रानी किसकी पुस्तक है, देवदास किसकी पुस्तक है, गोदान किसकी पुस्तक है, रसीदी टिकट किसकी पुस्तक है, गुनाहों के देवता किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 के उत्तर देने हैं। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जन्म सालगिरह मनाई गई थी। अगला है आप, भारत के किस शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम पर एक ग्रह का नाम रखकर सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 से लड़ने के लिए किस क्षेत्रीय संगठन की डिजिटल वर्चुअल बैठक को आयोजित किए थे। अगला है, मैकमोहन लाइन किस किस देश के बीच है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय जगह काला पानी किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश के बाहर रह रहे प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? काराकोरम पर्वत शिखर श्रृंखला किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में है?
पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगला है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? बोगी बील भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल किस प्रदेश में स्थित है? नाकुला किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित स्थान किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी कहाँ है? रानी की भाव कहाँ है? ऊटी कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? हम्पी कहाँ है? नागार्जुन कुंडा कहाँ है? सिद्धि साई मस्जिद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं पांच के आंसर देने किस नगर में है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? अजंता या एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? गोमित्सवर बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? जंतर मंतर कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? गोलकुंडा दुर्ग कहाँ है? उसके बाद गोल गुंबद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 है, किन्हीं पांच के उत्तर देने हैं। भारत के प्रथम लोकपाल, दूसरा इस समय लोकसभा के वर्तमान स्पीकर, नीति आयोग के चेयरमैन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के प्रथम तीन महिला फाइटर कौन हैं? किस भारतीय अधिकारी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिनिस्टर मिलिट्री जेंडर एडवोकेट्स ऑफ ए ईयर पुरस्कार दिया गया? परिसीमन आयोग 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? अगला क्वेश्चन है, किन्हीं पांच के राज्यों की राजभाषा और उसकी राजधानी बताना है? बिहार की राजभाषा राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की, तमिलनाडु की, उसके बाद केरल की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किन्हीं पांच के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? कोविड 19 से लड़ने के लिए हाल में भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया? इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? सागरमाला परियोजना क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के विषय में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहे गुलजार देहलवी के विषय में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? WHO के बारे में भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं पांच के उत्तर देने हैं। वेदों की ओर वापस जाओ किसने नारा दिया? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस की आत्मकथा है? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी? किसने कहा एक दिन सिंह की भांति जीना 100 वर्ष गीदड़ की भांति जीने से कहीं ज़्यादा अच्छा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सी? अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि लाइट कट गई इसलिए अंधेरा हो गया, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी जोन विथ नीतीश को आप ज्वाइन करके इस पेपर के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस PDF पेपर के अलावा भी जितने भी पेपर हैं उन सभी के PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी जोन विथ नीतीश पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।